जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में कोरोना से प्रभावित लोगों के उपचार, इसके संक्रमण के प्रसार आदि की रोकथाम के लिए अफसरों के साथ विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने 12 बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की और दिशा निर्देश जारी किए। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि रोग से संबंधित जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और दवा के छिड़काव कराने की सुविधा प्राप्त करने के लिए भी अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य 11 विभागों को दिशा निर्देश दिए। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा चौकाघाट दोहरे हत्याकांड में प्रयोग की गई गाड़ी और असलाहों को बरामद किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त विवेक सिंह कट्टा और दूसरे आरोपी हेमंत सिंह से पूछताछ के आधार पर ये बरामदगी की है। बता दें कि 28 अगस्त को चौकाघाट क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल अभियुक्त विवेक सिंह कट्टा और हेमंत सिंह को चैतपुरा पुलिस ने 6 दिन के लिए कस्टडी रिमांड पर लिया था। आरोपियों ने घटना में प्रयोग की गई स्विफ्ट गाड़ी, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बुधवार को वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक द्वारा थाना चौक व थाना कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। एसएसपी ने इस दौरान थाना चौक का निरीक्षण भी किया और यहां तैनात पुलिस कर्मियों से इलाके के अपराधियों के संबंध में जानकारी हासिल की। एसएसपी ने बैरक मालखाने के साथ साथ थाने की साफ सफाई को भी बारीकी से देखा। निरीक्षण के दौरान एसएसपी पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते दिखे। वाराणसी में बाबरी विध्वंस फैसले पर मुस्लिम महिलाओं ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। बाबरी विध्वंस के मामले में 28 साल मुकदमा चला और जैसे ही इसका फैसला आया राम भक्त झूम उठे। लमही के इंद्रेश नगर में नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में महिलाओं ने सड़कों पर आकर ढोल ताशा बजाकर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियों का इजहार किया। नाजनीन अंसारी लंबे समय से राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करती आ रही हैं और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज को राम मंदिर निर्माण के लिए सहमत भी किया है। कबीर चौरा अस्पताल के शौचालय में बंद है ताला या रखा है कबाड़, मरीज जाए अस्पताल के बाहर। सोशल मीडिया पर वाराणसी महिला चिकित्सालय के अल्ट्रासाउंड कक्ष के पास के शौचालय का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो पार्षद प्रतिनिधि और समाजवादी नेता अवनीश यादव विकी द्वारा बनाया गया है। वीडियो में अस्पताल के शौचालयों की दुर्दशा को दिखाया गया है, जिसमें किसी शौचालय में ताला लगा है तो किसी में कबाड़ रखा गया है और जो उपयोग के लिए है उसकी भी हालत जर्जर है। आप खुद देखेंगे तो यहाँ पेशाब करेंगे कि यहाँ स्टोर रूम बनाया गया है। मरीजों के लिए देखिए, ये टूटे हुए मशीन अगर किसी को लेकर लग गया और मरीज को ये कहाँ कर, ये पूरा टूटा हुआ पूरा अंदर रखा हुआ, ये देखिए दिए गए, ये देखिए लॉक किए हो गया। अगर कोई मरीज आ गया तो मरीज यहाँ में जाना हो, देखिए लॉक है, ये ताला लगा हुआ है, छुट्टी होंगी पूरा गंदगी में कोई साफ सफाई की, ये देखिए पूरा पट्टी फेंका हुआ, उधर सारी गंदगियाँ फेंकी गई हैं, ऐसे और बीमारी को बुलावा दिया जा रहा है। यहाँ पे मरीज स्वस्थ होने आते हैं लेकिन वो तो पानी पीने के बहाने और दो चार गंदगी, अब सीच देखिए पूरी गंदगी पीछे है, पूरा गंदा पीछे है, क्या आदमी यहाँ स्वस्थ होगा, ये स्थिति है। सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं लेकिन हकीकत नहीं है, सब केवल कागज पे हो रहा है। देश की राजनीति में उबाल लाने वाले बाबरी विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बाबरी ध्वंस का कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम की इच्छा से हुआ है। उन्होंने सीबीआई के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण में जो सहायक बने और जिन्होंने बाधाएं हटाई, ऐसे सभी कारसेवकों को हृदय से नमन है। उसके ध्वंस के मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, राम जी की इच्छा, राम जी का काम, यह कोई षड्यंत्र नहीं था, एक अप्रत्याशित घटना थी जिससे वह ढांचा ध्वंस हो गया। मैं कहूँ तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इच्छा थी कि वह ढांचा वहाँ से हटे
और उस स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण 492 वर्षों के बाद यह स्वप्न पूर्ण हो। उसी क्रम में जिन लोगों को बार बार वामपंथी कांग्रेसियों ने षड्यंत्र, अपराधी, सीबीआई कोर्ट के द्वारा मुकदमा, ये सब कुछ चला और ऐसा लगता था कि इन लोगों ने कोई पाप कर दिया है, कलंक को मिटाने में इस सारे चीज़ों से आज न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो गया कि कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, यह प्रभु श्री राम की इच्छा थी। ढांचा ध्वंस हो गया और मार्ग प्रशस्त हुआ। अदालत के इस निर्णय का अखिल भारतीय संत समिति हृदय तल से स्वागत करती है और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण में जो सहायक बने, जिन्होंने बाधाएं हटाई, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से नमन करती है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव संघ छात्र नेताओं ने हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ प्रदेश की कानून व्यवस्था और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस के द्वारा छात्रों को ऐसा करने से रोक दिया गया और धरने पर बैठे छात्रों को वहां से हटा दिया गया, जिसमें छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेताओं और पुलिस में हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस की महानगर और जिला इकाई के साथ ही साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। महानगर युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय के समीप जोरदार विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए पत्रक सौंपा। वाराणसी में बुधवार को 204 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 123 तथा अस्पताल से 11 व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 218 पहुंच गया है। अब तक 13,428 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 11,527 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,683 है।